नहीं जानते हैं कि आप मेरे लिए कितने कीमती हैं। आप मेरे लिए मसीहा हैं। आप नहीं जानते आप मेरे लिए क्या हैं। सर आपसे कोई मिलने आया है, इजाजत हो तो अंदर बुला लूं। कौन है? माजिद। सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? ठीक, आप कैसे? शुक्र है। आओ बैठो, बैठो, बैठो। मुझे नाहिद ने सब बता दिया। सच पूछो तो मैं तो अपने आप से अब आंख ही नहीं मिला पा रहा। सर आई एम सॉरी, लेकिन मैं क्या करती? आप ही को शक हो गया था, सवाल पूछ पूछ कर उन्होंने मेरा सर खा लिया था। मजबूरन मुझे उन्हें सब कुछ बताना पड़ा और उन्होंने सब कुछ माजिद भाई को बता दिया। पहले ही इतने ज्यादा एहसान आते हैं। मैंने ये सब एहसान की नीयत से नहीं किया था। मैं जानता था कि आप बेरोजगार हो, मगर मैं ये भी जानता था कि आप बेहद टैलेंटेड हो और ऐसी एग्जीक्यूटिव पोजीशन आप बड़े आराम से हैंडल कर लोगे। मैंने तो सिर्फ मौका फराहम किया था। ये तुम्हारी आला जुल्फी है, वरना तो मैंने तुम्हारे अंडर काम करने से भी इनकार कर दिया, क्योंकि मुझे लगता था कि मैं ज़हनी तौर पे तुमसे बेहतर हूँ। मेरे इस घमंड ने, मेरे इस गुरूर ने मुझे कभी आगे नहीं बढ़ने दिया। अच्छा, ये पुरानी बातें नहीं। ये भी तो सच है कि मोहल्ले में हमेशा आप ही अच्छी पोजीशन लेते थे, स्कूल में हमेशा फर्स्ट आए, और फिर हम सब बच्चों में मिठाइयाँ बांटी जाती थी। हाँ मुझे याद है, और मैं वो मिठाई की प्लेट लेकर सबसे पहले मिर्जा साहब के घर पे दस्तक दिया करता था। याद है? देखिए इस खिदमत ने आपको कितना बड़ा सिला दिया।